प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने का एक बृहद अभियान है। गरीब कल्याण अन्न योजना महोत्सव के तहत पूरे प्रदेश में गरीबों को अन्न बांटा गया। इस दौरान अयोध्या में सीएम योगी ने कहा कि आज हम पीएम अन्न योजना के साथ जुड़ रहे हैं, ये देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ऐसे ही तमाम जगह पर लोगों को राशन वितरित किया गया। इसी कड़ी में यूपी के सहारनपुर जिले के सरकड़ी शेख और कुम्हार रेड़ा में भी इस कार्यक्रम को जोरों शोरों से जनता के बीच लाया गया, गरीबों में अन्न वितरित किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ 25 किलो के अनाज का बैग भी दिया गया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी थी। इस शुभ मौके पर समाज सेवी खुर्शीद मलिक चिश्ती चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने गरीबों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चलाई गई योजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराया। बेटियों की सुरक्षा के लिए योजना है, बेटियों की पढ़ाई के लिए योजना है, जैसे बच्चे हैं पहली क्लास से लेकर आठवीं क्लास तक, उसमें जो है उनको फ्री ड्रेस, फ्री शूज, फ्री बुक्स, फ्री किताब, सारी चीजें फ्री है। जैसे ये हमारा स्कूल है, इसमें प्रोग्राम है, इसमें सब फ्री है। ठीक है जी, प्रधानमंत्री की अमर ज्योति योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना है, इस योजना में जो है आप लाभ ले सकते हैं। जितनी भारत सरकार की योजना है और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, सारी इसमें वो सारी चल रही है। खास कर अल्पसंख्यक के लिए, मुसलमान के लिए, अल्पसंख्यक में मुसलमान के लिए जो प्राइमरी तक बच्चा पढ़ता है उसको 1000 रुपए स्कॉलरशिप दी जा रही है। ये और जो बच्चा जूनियर में पढ़ता है, छठी सातवीं आठवीं, उसको 5000 रुपए दिए जा रहे हैं। क्या दिया किसी ने? ये जो है और सीधे बच्चे के अकाउंट में, दलाली खत्म, सीधे अकाउंट में। तो कितना विकास हमारा हो रहा है, लेकिन हम लोग अनभिज्ञ हैं, हम जानते नहीं, तो उनको जानना चाहिए। मेरी एक गुजारिश है, एक प्रार्थना है हाथ जोड़ के, कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। जब हमारी बच्ची और बच्चे आगे बढ़ेंगे तो उनका विकास होगा, तभी तो आईएएस और पीसीएस और इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे। ऐसा नहीं है, जो लोग ये कहते हैं, सोसा छोड़ते हैं कि भाई ये तो पार्टी भाजपा की आ जाएगी तो देश को निकाला हो जाएगा। कहाँ बताइए, जब से यहाँ 17 से है कहीं कोई दंगा हुआ नहीं? हुआ किसी बात का भी? किसी बात का कोई दंगा नहीं हुआ। कितना बड़ा भाईचारा है यहाँ, देखो प्यार से सब हिंदू मुस्लिम सब लोग बैठे हैं, कितना प्यार है। तो गांव का जो प्यार है वो बना के रखे और उसकी तरक्की के लिए। हम सब भारतवासी हैं, हमारी पहचान हिंदुस्तानी है। जब हम बाहर जाते हैं, हम सऊदी अरब जाएं या हम पाकिस्तान जाएं, अमेरिका जाएं, तो वो कहेंगे कि ये हिंदुस्तानी है, हमारी पहचान हिंदुस्तानी से बनती है। तो हम हिंदुस्तानी पक्के होने चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस वतन में रहो उस वतन के प्रति वफादार रहो, उस वतन के प्रति ईमानदार रहो, उस वतन के बादशाह के हुक्म को मानो। अगर तुम वो नहीं करते तो तुम हम में से नहीं हो। श्री राम ने यह बात कही कि सबसे पहले अपना वतन और सबसे पहले अपना देश होता है। और अपने देश के लिए श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास कबूल कर लिया था और ये कह दिया था माता शक्ति सबसे बढ़िया, अपनी माता की बात मानी थी। सनातन धर्म, सनातन धर्म कोई छोटा धर्म नहीं है, सबसे पहला धर्म है, सबसे पहले आया। तो इस चीज को समझो, अफवाहों में मत आओ किसी की। भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में वो काम किए जो कोई कर नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ने वो चीज कर दी। इस बुक्स में आपको वो चीजें मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। धर्म देख के आप ये बताओ, कोई धर्म देख के मकान दिया उन्होंने? धर्म देख के लैटरिन बनाई? धर्म देख के रोड सड़कें बनाई? धर्म देख के गांव के और उसके विकास करे? धर्म देख के बिजली आ रही, फ्री बिजली का कनेक्शन दिए? यहाँ कोई न कोई जरूर बैठा होगा जिन्होंने इसका लाभ उठाया होगा। फ्री कनेक्शन, फ्री अनाज, फ्री गैस सिलेंडर। मेरी माताएं बहने चूल्हे में जो है वो फूंकती थी और जो है आंखों में धुआं पड़ जाता था,
वो अंधी तक हो जाती थी, लेकिन ये चीज देखी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और उनको गैस सिलेंडर फ्री दिया। वर्षों में जो ना हो पाया 4 वर्षों में कर दिखाया, इस शीर्षक की पुस्तक भी लोगों में वितरित की गई। इस पुस्तक में सालों में जो नहीं हो पाया उन सारी योजनाओं का विवरण है जो सीएम योगी ने 4 सालों में कर दिखाया है। तो देखा आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।